जीवन में पांडवों सा संकट आएगा तो याद रखना, हिस्से में भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी भी अवश्य आएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक बार एक संत जंगल में कुटिया बना करके रह रहे थे। बहुत सालों से वहां तपस्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे थे। एक बार एक शिकारी उस जंगल में आया। उस शिकारी के लिए वो जो जंगल था वो नया था, उसे किसी ने बताया था कि इसमें बड़े जानवर हैं। तो पहुंच गया था शिकार की तलाश में, उसे कुटिया दिखाई दी। उसने जाकर के दरवाजा खटखटाया कि थोड़ा भोजन मिल जाएगा, पानी वानी पी लेंगे। तो अंदर से बाबा जी निकले। बाबा जी ने उससे पूछा कि भैया कौन हो? तो उसने कहा मैं शिकारी हूँ, साफ साफ बता दिया, शिकार करने आया हूँ। मुझे किसी ने बताया कि घना जंगल है, बड़े सारे जानवर हैं, मैं शिकार करने के लिए पहुंच गया। उसने बाबा जी से पूछा कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं? तो बाबा जी ने बता दिया मैं संत हूं, तपस्या कर रहा हूं। फिर उसने पूछा कि मतलब क्या करते क्या है आप? उस शिकारी को ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी, उसका काम ही यही था बस, वो तो जानवर पकड़ता था। तो बाबा जी ने कहा क्या समझाऊं इसको? तो बाबा जी ने कहा कि भैया मैं भी आप ही की तरह शिकार करने आया हूं, मैं भी शिकारी हूं एक तरीके का, लेकिन मेरा शिकार मिल नहीं रहा है, बहुत प्रतीक्षा कर रहा हूं, बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूं। शिकारी ने पूछा कि मतलब कैसा दिखता है आपका शिकार? मैंने बड़े बड़े पकड़ लिए हैं, आप टेंशन मत लीजिए, कैसा दिखता है आपका शिकार बताइए मुझे, मुझे बहुत अनुभव है। बाबा जी ने सोचा अब क्या बताऊं इसको, कैसा दिखता है, क्या बोलूं। फिर भी उन्होंने बता दिया कि मेरा जो शिकार है वो सांवला सलोना है, सर पर मोर मुकुट लगाता है, बांसुरी बजाता है, लेकिन मिल नहीं रहा है, बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। और ये कहते कहते वो भाव विभोर हो गए, रोने लग गए, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो जो शिकारी था वो भी इमोशनल हो गया। उसने कहा बाबा जी रो क्यों रहे आप, ऐसी क्या बात हो गई, मुझे बहुत वर्षों का अनुभव है, आप चिंता मत कीजिए, आपके शिकार को पकड़ के लाऊंगा। और आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, वैसे तो मैं पानी पीने आया था, भोजन करने आया था आपके यहाँ, लेकिन आज प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आपका शिकार नहीं पकड़ लेता तब तक अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूंगा, पानी नहीं पीऊंगा। आप देखना अभी बस मैं गया घने जंगल में, पकड़ के लाता हूं, आप टेंशन मत लो। ऐसा बोल करके चल दिया। और वो जब जा रहा था तो बाबा जी सोच रहे थे कहां मिलेंगे इसे, मैंने क्या बोल दिया इसको, इसको कहां भगवान मिलेंगे, मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं, मुझे नहीं मिले। शिकारी गया जाकर के उसने घने जंगल में जाल बिछा लिया बड़ा सा, पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गया, इंतजार करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा कि वो शिकार आए, सर पर मोर मुकुट बांसुरी बजाते हुए सांवला सलोना, कोई आ ही नहीं रहा। एक दिन बीत गया, दो दिन, तीन दिन, बैठा हुआ भूखा प्यासा, बस यही प्रतीक्षा कि वो शिकार आ जाए, एक बार फंस जाए, बस लेकर के चलूं बाबा जी के पास, वो बहुत परेशान है। जब चार दिन हो गए तो भगवान को लगा कि तो जाने वाला नहीं है, टस से मस नहीं होगा, बैठा हुआ मेरे इंतजार में। तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए, वही रूप जैसा बाबा जी ने बताया था, और खुद ही चलते चले आए, चलते चले जा रहे हैं, खुद आकर के जाल में फंस गए। और जैसे ही उसकी नींद लग गई थी, ऊपर शिकारी के पेड़ पर बैठे, उसकी नींद खुली, उसने कहा रे शिकार तो आ गया है, फंस गया है, मिल गया मिल गया। वो दौड़ते हुए फटाफट से नीचे उतरा, दौड़ते हुए बाबा जी कुटिया की तरफ चलने लगा, कंधे पर वो जाल जो था उसमें फंसे हुए थे भगवान, उनको लेकर के जाने लगा और कहने लगा बस बहुत दिनों के बाद मिले हो, जाने नहीं दूंगा तुम्हें, वो बहुत परेशान है पता है तुम्हें। ले जा करके उस जाल को वहां रख दिया, बाबा जी कुटिया के सामने दरवाजा खटखटाया, बोले मिल गया शिकार आपका। बाबा जी ने दरवाजा खोला तो साक्षात प्रभु खड़े थे, वही रूप जो बताया था शिकारी को बाबा जी ने। बाबा जी पैरों में पड़ के कहने लगे प्रभु भगवान इतने वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा हूं, आपने दर्शन नहीं दिए, इस शिकारी को आप कहां मिल गए? भगवान ने कहा इसके भाव तुम्हारे भाव से भी ज्यादा ताकतवर थे, ये संपूर्ण भाव से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम तो जब तपस्या करते थे कुछ ना कुछ ख्याल आ जाता था तुम्हें, कुछ ना कुछ विचार आ जाता था, लेकिन इसके मन में कोई विचार ही नहीं आया, चार दिन से मेरे रूप की प्रतीक्षा कर रहा है कि ऐसा कोई दिख जाए, तो एक बार लेकर के चलूं बाबा जी के पास, इसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया, मुझे तो आना ही था, चार दिन से बैठा हुआ था। बाबा जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम करने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे, कहने लगे प्रभु आपकी माया धन्य है। कहानी बहुत छोटी लेकिन सार बहुत बड़ा है, जीवन में अगर संपूर्ण भाव है, पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी के, अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअलिटी के अध्यात्म की, तो अगर आपके संपूर्ण भाव हैं तो प्रभु भी आपको दर्शन देंगे। दूसरी बात अगर रियल लाइफ की करूं मैं, प्रैक्टिकल लाइफ की जो हम जी रहे हैं, तो अगर आपके संपूर्ण भाव हैं तो जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, बस आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ, कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे देखिए मेरे साथ लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।